किसी की आलोचना करने का कोई फायदा नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं हूं आपका दोस्त ब्रज कुमार, और जैसा कि मैंने कहा कि किसी की आलोचना करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इसे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान जो है वो आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है, और जब दिल को ठेस पहुंचती है तो आपके प्रति दुर्भावना रखना शुरू कर देता है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए रिवॉर्ड दिया गया, उन जानवरों में ज्यादा सुधार था वनस्पत उन जानवरों के जिन्हें दंडित किया गया था। आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, अलबत्ता संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। एक और महान मनोवैज्ञानिक हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, हैंस सेलिए, और उनका रिसर्च ये कहता है कि इंसान सराहना और प्रशंसा का भूखा होता है, और जितना प्रशंसा का भूखा होता है उतना ही वो निंदा से डरता है। पता नहीं मैंने ये कपड़ा पहना है कैसा पहना है, कैसा लगेगा, ये गाड़ी मैंने ले तो ली है यार, पर गुप्ता जी को कैसी लगेगी, आज मैंने ये नेकलेस पहना है, पार्टी में सब तारीफ तो करेंगे ना यार, ये जैकेट मैंने बहुत महंगा लिया है, होप एवरीवन वुड लाइक इट। एक डर बैठा हुआ रहता है कि कोई निंदा ना कर दे यार, कोई कुछ बोल ना दे, और पैसे वसूल हो जाते हैं, जैसे किसी ने कह दिया आहा वाह क्या नेकलेस पहना है भाभी जी आपने, यार साड़ी आप पे जम रही है, ये गाड़ी यार जबरदस्त कलर है, मतलब ये तो मार्केट में मैं पहली बार देख रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत घर बनाया आपने। ये होता है प्रशंसा, और ये होता है इसका जादू। तो प्रशंसा करने में हमें कोई चूक नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यह भी एक प्रयोग है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जानवरों पर रिसर्च किया गया, और रिसर्च में यह पाया गया कि अगर किसी के अच्छे व्यवहार के लिए उसे रिवॉर्ड दिया गया तो उसमें सुधार ही सुधार होता गया। बच्चे के साथ भी ऐसा ही है, बच्चे में भले ही 100 गलतियां हों, 50 आपको दिखते हो ऐब, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयां होंगी, 5 अच्छाइयां होंगी, 10 अच्छाइयां होंगी, 2 अच्छाइयां होंगी, उसे हाईलाइट करना शुरू करें, उसे रिवॉर्ड देना शुरू करें, बच्चे में यह भावना आनी शुरू हो जाएगी कि अच्छा दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू। अगर आप उसे दंडित करना शुरू कर देंगे तो वो कुंठित हो जाएगा, उसमें सुधार कम दिखेगा। आज से अप्लाई करना शुरू करें, और जिंदगी में एक नया एड ऑन करें कि प्रशंसा की जाएगी, आलोचना कम, देखिए कैसे फर्क आता है, कैसे आपके अपने और अपने हो जाते हैं, कैसे आपके दोस्त और भी आपके करीब आ जाते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त ब्रज कुमार, और ऐसे ही कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, लाता रहूंगा। धन्यवाद आपके वक्त के लिए।